उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार बनी है तब से बदमाशों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। आए दिन पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो रही है। इस बीच आज सुबह बुलंदशहर में पुलिस ने 1.5 लाख के एक इनामी बदमाश राजेश को एनकाउंटर में मार गिराया। बदमाश पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। मारे गए बदमाश पर बुलंदशहर पुलिस और अलीगढ़ पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया हुआ था। बदमाश से एनकाउंटर के दौरान थाना प्रभारी आहार और एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को गोली लगी है। वहीं SSP श्लोक कुमार ने बताया कि बदमाश राजेश आहार थाना क्षेत्र के गांव सीरिया नगर का ही रहने वाला था। वो लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्राइम कर रहा था। पुलिस इसकी काफी दिनों से तलाश कर रही थी लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा था। शनिवार की रात उसके कोतवाली देहात क्षेत्र में होने की सूचना मिलने पर SWAT SOG और आहार पुलिस की टीम ने उसकी घेराबंदी की। पुलिस को देखकर गंग नहर के किनारे जालखेड़ रोड पर बाइक से भागने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पुलिसकर्मियों को देखते उसने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हुए भागने की कोशिश की। फायरिंग पर पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें बदमाश राजेश को गोली लग गई। फायरिंग में इंस्पेक्टर और एक सिपाही को भी गोली लगी। 1.5 लाख का इनामी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसका क्या क्राइम हिस्ट्री है सर और किस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए घूम रहा था? आज प्रातः कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक इनामिया बदमाश की सूचना पर हमारी टीमें चेकिंग कर रही थी, जिसको जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें कि SHO आहार और एक कांस्टेबल ये दोनों जख्मी हुए। आत्मरक्षा कार्रवाई के दौरान उस बदमाश के गोली लगी और उसे तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे रेफर किया गया था और उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई है। जानकारी करने पर ये पता चला कि इसका नाम राजेश है और इस पे 50 से अधिक मुकदमे हैं। इस पे 1 लाख का इनाम जनपद बुलंदशहर से और 50,000 का इनाम जनपद अलीगढ़ से हो रखा है। इस कार्रवाई में SOG प्रभारी राहुल हैं, उनके भी BP जैकेट पे और CO अनूप शहर के BP जैकेट पे गोली लगी है। हालांकि उनको कोई चोट नहीं है, फिर भी उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। जो घायल पुलिसकर्मी हैं वो इलाजरत हैं, उनकी स्थिति अभी सामान्य है बट अंडर ऑब्जर्वेशन है। ये जो 1.5 लाख का इनाम, बता दें कि पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बदमाश राजेश पर लूट डकैती और गैंगस्टर के 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। पुलिस बदमाश राजेश को काफी दिनों से तलाश कर रही थी। रविवार तड़के पुलिस को मुखबिर से बदमाश राजेश के बारे में सूचना मिली। जानकारी होते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की और बदमाश राजेश को आत्मसमर्पण करने को कहा लेकिन उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें बदमाश राजेश मारा गया। पंजाब केसरी TV के लिए बुलंदशहर से वरुण शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।